ऐसा नहीं हुआ और इसलिए वो समझते हैं कि अंग्रेजी बोल के वो किसी भी परिस्थिति से निकल जाए। और उन्होंने एक बयान जारी किया दूसरे दिन जो हास्यास्पद है, तथ्यों से बिल्कुल परे है। स्पेक्ट्रम लाइसेंस भी उन्होंने सोचा दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन चिदम्बरम सीधे तौर पर दोषी है, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है और कहीं न कहीं दाल में भयंकर काला है और इसलिए इस उनकी भूमिका की जांच सीबीआई के द्वारा निश्चित रूप से होनी चाहिए। यह मैं इस मंच से मांग कर रहा हूँ। तो जितना कम कहा जाए कितना कहे उसके बारे में वो पता नहीं कौन सी जाति है जो सरकार जब जब घुमाती है तो गरीब वो घूम जाते हैं जिस तरफ सरकार चाहती है। इस बार जो उन्होंने जाति घुमा दी उनके लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई, हमने पूछा खड़े खड़े हो, उन्होंने कहा आपके साथ खड़े और जब मौका आएगा तो उनके साथ खड़े हो। और इसीलिए जब मैंने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैंने कहा था जोर देकर कि एक चोरों की बारात इकट्ठी होगी, सारे चोर कांग्रेस पार्टी के चोर, बीएमपी के चोर, बसपा के चोर, सपा के चोर, चोरों की बारात उन्होंने बना ली है और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि इस बारात की बैंड हम बनाएंगे।